एट्थ क्लास का अब हम फोर्थ चैप्टर करेंगे, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से करवाऊंगी, ये नहीं है कि पहले ही टेंथ क्लास करवा दूंगी। पहले एट्थ करेंगे, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, ऐसे सारे चैप्टर करेंगे हम। बस आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं आपको करवा रही हूँ आगे मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको इतना तो पता ही होगा, मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट इजीली पास हो जाए, जो सॉलिड्स होते हैं, रिजिड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ना हो, ए गुड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। देखो, मटेरियल कैन आइदर बी मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो मटेरियल्स होते हैं वो मेटल हो सकते हैं या नॉन मेटल, दोनों हो सकते हैं। मेटल डिफर फ्रॉम द नॉन मेटल इन आ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है किससे, नॉन मेटल से। किसकी फॉर्म में, फिजिकल और केमिकल। देखो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज आपने पढ़ा होगा, ये फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सेबल हो जाए, रिवर्सेबल होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी जो उसके गुण के टेस्ट वगैरह पे डिपेंड करती है ना, वो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कैसी स्मेल देगा, किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, उसका टेस्ट कैसा होगा। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसकी बनावट पे, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है ना, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑल मेटल्स हेयर सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सभी मेटल्स की क्या होती हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल और कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। मेटल आर यूजली शाइनिंग। मेटल्स क्या होती हैं, शाइन करती हैं, हार्ड होते हैं, सोनार होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल्स होती हैं। दे कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी, दे सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर मेटल। सिर्फ एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वो कौन सी है, मरकरी। कौन सी मेटल है, मरकरी। और मरकरी का यूज किस में किया जाता है, थर्मामीटर्स के अंदर। जो बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए जो थर्मामीटर का यूज करते हैं ना हम, उसके अंदर क्या होती है, मरकरी। जब वो मरकरी ऊपर चढ़ती है ना, तब डॉक्टर बताता है कोई इसको इतने डिग्री सेल्सियस ताप चढ़ा हुआ है। नॉन मेटल्स एग्जिट ए ड्यूअल लक्चर। नॉन मेटल का कोई प्रॉपर बनावट नहीं होती, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नोर सोनार समेत, बल्कि हम किसी ऑब्जेक्ट से उसको ही बीट करते हैं ना, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। दे एग्जिट ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। नॉन मेटल्स हर फॉर्म में एग्जिट कर सकती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज के अंदर। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपैरिजन टू मेटल्स। मेटल यूजली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्या, ओके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। जैसे Mg ले लिया, प्लस में O ऐड कर दिया, O2, तो क्या बनेगा, MgO, ठीक है। नॉन मेटल यूजुअली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। देखो, जो मेटल होती हैं वो तो कैसा ऑक्साइड बनाएंगी, बेसिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटल हैं वो कैसा बनाएंगी, एसिडिक ऑक्साइड। रस्ट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द वाटर एंड एयर ऑन आयरन। आयरन के ऊपर क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है जब वो किसके कॉन्टैक्ट में आता है, वाटर और एयर के कॉन्टैक्ट में आता है। अगर ये आ जाए हमारे क्वेश्चन के पेपर के अंदर, अगर कोई चीज़ को कोर्जन लग जाता है या रस्ट लग जाता है, तो उसका जो मास है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उसका मास हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। सम मेटल रिएक्ट विद वाटर, सोडियम रिएक्ट विनीगर इवन विद कोल्ड वाटर। सम मेटल रिएक्ट, देखो एक जो सोडियम और पोटेशियम है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, हम उनको किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्रोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। नहीं तो अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन और अटैम्प्ट हो गया कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, सोडियम और पोटेशियम, और लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी हैं, गोल्ड और सिल्वर, लेड। ये क्या होती हैं, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। नाइन्थ में या पता नहीं टेंथ क्लास में है, बहुत डिटेल में जब हम वहाँ वो वाले चैप्टर करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी। सोडियम इज स्टोर इन क्रोसिन ऑयल, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। सोडियम को क्रोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि ये अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। सम मेटल रिएक्ट विद एसिडिक एंड रिप्लेस हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। सम मेटल्स क्या हैं, मतलब कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर आर अनअफेक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मेटल के ऊपर कौन सी
मेटल के ऊपर HCl का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो कौन सी है, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर। देखो एक क्वेश्चन है ना, कौन से पेपर में आया हुआ था मुझे ध्यान नहीं है, कि जो वेट HCl है, वेट HCl गैस है, वो pH सॉल्यूशन जो पेपर होता है ना, pH पेपर है, उसका कलर कैसा करेगी अगर वेट आ जाए ना। वेट कैसा होता है, गीला, और ड्राई कैसा होता है, सूखा। अगर वेट आ जाए तो वो वेट एसिड आ गया ना, एसिड ब्लू लिट में इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। तो वेट HCl गैस किस में कन्वर्ट कर देगी, रेड में। अगर ड्राई HCl गैस आ जाती होता है, नो चेंज, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया कि जो एसिड है वो, जो पीएच पेपर होता है, पीएच लिटमस पेपर होता है, उसके कलर को एसिड कैसे कर देता है, तो ब्लू को रेड कर देता है, और जो बेस है रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है। अब मेटल इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी, गोल्ड, सिल्वर, वाटर एंड एसिड। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग का मीनिंग है कि रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये बताना है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन, फिर जिंक, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। आ गया होगा आपको समझ में, मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्ले कर देती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को, किसके अंदर से, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से। तो आप इस सीरीज को याद कर सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। हाइड्रोजन गैस को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कैसी साउंड देती है, पॉप की साउंड। मेटल हैव ए वाइड यूज इन द इंडस्ट्रीज, किचन, हाउस होल्ड आइटम और ट्रांसपोर्ट। नॉन मेटल आर आल्सो वाइड यूज। ऑक्सीजन इज एसेंशियली फॉर द लाइफ सब्सटेंस। नाइट्रोजन इज यूज फर्टिलाइजर और क्रैकर्स, क्रैकर्स, पटाखों के अंदर, ठीक है। कौन सी गैस का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का। और जो हमारा सन है वो किससे बना हुआ है, कौन से गैस का गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम का। आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम आर नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को किस किस की जरूरत है, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम की। अब देखो मेटल की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनैरिटी, लक्स्चर। मैं आपको ना पहले समझा देती हूँ, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, जब हम उसको पीट पीट के अगर थिन से थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी, जब हम उसको पीट पीट के किस में, वायर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, वायर में ड्रॉ कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डक्टिलिटी। सोनैरिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गिव द साउंड। जब हम उसको किसी चीज़ से बीटर करते हैं, अगर मेटल देखा होगा आपने, स्कूल की घंटी देखी होगी, जब हम उसको लकड़ी के डंडे से क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो वो क्या देता है, साउंड। तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड। लक्ष्य, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटीरियल हैविंग शाइनिंग। लक्ष्य मीन्स होती है चमक, जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर क्या होती है, चमक होती है। कंडक्टेंस, द प्रॉपर्टी बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन एंड ऑफ द मेटल टू अनदर। कंडक्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होती है, हीट ट्रांसमिट हो जाती है एक एंड से दूसरे एंड पे। एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल आर एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी गलती होगी, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक, HCl का, हाँ भाई, एज दे डिजोल्व इन वाटर टू गिव एसिड। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक। नॉन मेटल द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल दैट बेसिक इन नेचर एज दे फॉर्म द बेस ऑन द एडिशन ऑफ अ वाटर। अगर हम किसी मेटल के अंदर क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, अगर वो क्या बनाता है, बेस। बेस का मीनिंग, अगर वो OH आयंस बनाता है तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर वो क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयंस बनाता है, तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल Na की रिएक्शन कर लेते हैं हम H2O के साथ है। अगर हमारा बन जाता है Na के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज होता है, Na2O बन जाता है, तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा एसिडिक,
अगर हमारा बन जाता है NaOH का ट्वाइस तो इसका नेचर होगा हमारा बेसिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इन टू द थिन टू थिन सीट, आगे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देख लेते हैं हम एक बारी। इसने पूछा कौन से को हम क्या करके बीट करके थिन से थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल्स की, और कौन सी होती है, मेलेबिलिटी। जब मेटल को बीट करके थिन से थिन सीट में कन्वर्ट कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। इसका एग्जाम्पल फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सल्फर और ऑक्सीजन तो क्या है, नॉन मेटल्स हैं, तो क्या आएगा, जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑन द मेटल आर डक्टिलिटी, हाँ मेटल्स को हम क्या है बीट करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल द नॉन मेटल्स आर डक्टिलिटी, जनरली मेटल आर डक्टिलिटी, सम नॉन मेटल्स आर डक्टिलिटी, तो ऑल द मेटल्स क्या आएगा, डक्टाइल्स होती हैं। फास्फोरस इज वेरी डैश नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटल आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन क्या है, आयरन मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस। आगे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल्स, सिल्वर और ग्रे कलर्स की मेटल्स होती हैं, उनका कलर कैसा होता है, सिल्वर और ग्रे, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मेटल्स का कलर कैसा होता है, तो सिल्वर और ग्रे होता है। नॉन मेटल्स अलग अलग कलर के होती है। हार्डनेस, मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। ओनली मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किसके फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और जो नॉन मेटल्स हैं वो लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैसिड भी होते हैं। इसके भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है, आयोडीन होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मेलेबिलिटी कैन बी बिटवीन इन टू द थिन सीट, हम इनको पतली से पतली सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, जो कुरकरे वगैरह होते हैं आते हैं उनको देखा होगा, वो अंदर से एल्यूमिनियम फॉयल, जो एल्यूमिनियम एक मेटल है वो सबसे क्या है, ज़्यादा मेलेबिलिटी शो करती है। सबसे मेलेबल तो वैसे तो गोल्ड है, लेकिन जो मतलब कि लो लेवल पे यूज की जाती है मैक्सिमम, वो एल्यूमिनियम फॉयल यूज की जाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो फूड वगैरह को रैप करने के लिए कौन सी मेटल का यूज किया जाता है, तो कौन सी मेटल का यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉयल का यूज किया जाता है। अगर ऑप्शन में आया हुआ है कि मोस्ट मेलेबिलिटी मेटल कौन सी है, तो गोल्ड, अगर गोल्ड है तो गोल्ड आएगा, नहीं तो फिर एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है। हीट कंडक्टर, जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं किसकी, हीट के। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप अप फूड आइटम्स, जो एल्यूमिनियम फॉयल है उसका यूज किया जाता है किसको, फूड मटेरियल्स को रैप करने के लिए क्यों किया जाता है, जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो क्या है, मतलब कि रिएक्टिव नहीं होती, लिस्ट रिएक्टिव है, फूड के साथ रिएक्शन नहीं करती, उसका टेस्ट चेंज नहीं करती, तो इसलिए किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉयल का। इमर्जन रोड ऑफ द हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ द, जो रोड वगैरह होते हैं ना वो मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती है, क्योंकि एक तो वो क्या होती है, हीट की गुड कंडक्टर होती हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर पे भी क्या है, मेल्ट नहीं होती। मेड ऑफ द मेटालिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट और इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले द जिंक फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन, देखो मोस्ट रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी ना वो अपने से लिस्ट रिएक्टिव को क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी। तो इसने पूछा कॉपर क्या करता है, डिस्प्ले नहीं करता किसको, जिंक को, साल्ट सॉल्यूशन से। तो इट मीन्स जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन अक्रोस इन ऑयल, अगर सोडियम और पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, हम इनको खुले में नहीं रख सकते, अगर खुले में रखेंगे तो ये क्या कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे, ठीक है। गोल्ड, अब ये दे रखा है मैच द कॉलम्स, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर और मरकरी। देखो मरकरी क्या है, एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किस में पाई जाती है, लिक्विड में, और बताया था इसका यूज किस में होता है, थर्मामीटर्स के अंदर। गोल्ड क्या है, गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर क्या है, आयरन, आयरन क्या है, आयरन को हम छोड़ देते हैं, पहले एल्यूमिनियम देख लेते हैं। रैपिंग फूड से, फूड को फोल्ड रैप करने के लिए यूज किया जाता है। कॉपर, कॉपर क्या है, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर किसकी बनी होती है, कहीं आयरन की लगाया हो, इलेक्ट्रिक वायर है वो आयरन की नहीं बनी होती, किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। और जो कार्बन है, कार्बन एज ए क्या है, फ्यूल है, तो हमारे पास क्या बच गया,
जो एल्युमिनियम है ना उसका यूज बता दिया आपको, फूड को रैप करने, हाँ आयरन बच गया था। तो आयरन के लोहे की क्या बनाई जाती है, मशीनें बनाई जाती हैं, गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है, सबसे क्या है मेलेबल, सबसे ज्यादा हम थिन से थिन पतली से पतली लेयर में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले गोल्ड आएगा फिर सिल्वर फिर एल्यूमिनियम, ऑप्शन देख लेना क्या गिवन है, अगर ऑल ऑफ दी जाए तो ऑल ऑफ वे दी जाएगा, नहीं तो सबसे पहले गोल्ड आएगा फिर सिल्वर आएगा फिर एल्यूमिनियम आएगा। आयरन, आयरन का यूज किया जाता है मशीन वगैरह बनाने के लिए, एल्यूमिनियम फॉयल का यूज किया जाता है फूड को फोल्ड करने के लिए, कार्बन क्या है एक फ्यूल की तरह, फ्यूल क्या होता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर के अंदर यूज किया जाता है, मरकरी, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और थर्मामीटर के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम, ये तो आंसर दिए हुए हैं। व्हाट हैपन सल्फ्यूरिक एसिड इज प्योर ऑन अ कॉपर प्लेट, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, जब H2SO4 को कहाँ पे डालते हैं, कॉपर की प्लेट के अंदर डालते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। व्हेन आयरन नेल आर प्लेस इन अ कॉपर सल्फेट, देखो आयरन की जो कील है ना लोहे के जो कील है, अगर हम उनको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दें, क्या आयरन डिस्प्ले कर देगा कॉपर को फ्रॉम इट्स साल्ट, तो आयरन क्या है मोस्ट रिएक्टिव है किससे, कॉपर के कंपैरिजन, तो आयरन क्या कर देगा, आयरन को, आयरन किसको, कॉपर को डिस्प्ले कर देगा और यहाँ क्या बन जाएगा Fe SO4+ में कॉपर डिस्प्ले का मीनिंग हटा देगा और आप आ जाएगा वहां पे। टू कॉपीज ऑफ द बर्निंग चारकोल एंड कोलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ अ गैस, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस, ये दे रखा है सोनाली टेक ए पीस ऑफ द बर्निंग चारकोल, सोनाली एक पीस लेती है चारकोल का और कोलेक्टेड द गैस, एक ट्यूब के अंदर क्या चारकोल कोयला है वो जल रहा है और उसकी क्या कर लेती है, एक ट्यूब के अंदर गैस इकट्ठी कर लेती है, हमें ये बताना वो कौन सी गैस है, तो वो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस शो द गैस इज एसिडिक इन नेचर, हाउ विल यू फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, गैस कौन सी होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कई बार आपने देखा होगा न्यूज के अंदर भी सुना होगा कि अंगीठी वगैरह जलाए हुए थे, रूम को पूरा क्लोज कर लिया और फिर उनकी क्या होगी, रात को जलाए हुए थे और सवेरे हो गया उनका तो कल्याण, तो इसके अंदर मतलब बल्कि कौन सी गैस बन जाती है, CO2 गैस बन जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसने बोला है उसका नेचर कैसा होगा, हम क्या नेचर पता करने के लिए एसिडिक होगा या बेसिक होगा किसका यूज करेंगे, लिटमस सॉल्यूशन का यूज करेंगे, अगर लिटमस सॉल्यूशन को वो टर्न कर देती है कैसे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देती है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा, और रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, ब्लू को रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है तो बेसिक होगा, लेकिन ब्लू लिटमस ना तो रेड होता ना ही रेड लिटमस ब्लू होता, तो वो कैसी है, दिस गैस दैट गैस इज द एसिडिक इन नेचर, तो टेक ब्लू रेड सॉल्यूशन टर्निंग ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है और रेड लिटमस को क्या है कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगी तो इट मीन्स क्या है वो कैसी नेचर है, एसिडिक नेचर है, तो CO2 का भी हमें पता चल गया कैसा नेचर होता है, एसिडिक होता है, HCl गैस अगर वेट है तो HCl एसिडिक है, नहीं तो उसका नेचर कैसा भी नहीं है, न्यूट्रल है। एड सम वाटर टू द जार, राइट डाउन द इक्वेशन, इक्वेशन लिखेंगे, CO2 बन गई उसके अंदर वाटर डाल देंगे, H2CO3 बन जाएगा, कौन सा कार्बोनिक एसिड, क्या बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, अगर ये आ जाए ना क्वेश्चन स्ट्रोंग एसिड क्या एग्जाम्पल बताइए, तो हमारे स्ट्रोंग एसिड है HCl और H2SO4। वन डे रीता वांट टू ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी शॉप पे गई, हर मदर गेहूं ना ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी दे दी, सुनार को दिया उसने पॉलिश करने के लिए, नेक्स्ट डे व्हेन दे बोट द ज्वेलरी बैग दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइटली लो, उसका वेट लॉस हो गया, हाँ भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सुनार देखा होगा आपने, अगर ज्वेलरी वगैरह लेके जाते हैं ना तो वो सोना उठा लेता है, सुनार भी होगा, ये बात भी सुनी होगी आपने, सुनार लेते टाइम भी खाता है और देते टाइम भी खाता है, तो वो अब देख लो कैसे खाता है। ज्वेलरी यूज ए केमिकल सॉल्यूशन नेम एक्वारेगा,
जो ज्वेलरी को ऊपर से सोना उतारने के लिए यूज किया जाता है उस केमिकल का नाम क्या है? एक्वा रेगा फॉर क्लीनिंग द ज्वेलरी दिस सॉल्यूशन कैपेबल डिजोल्विंग द गोल्ड इन इट सो लॉस इट्स वेट। आपको पता चल गया होगा जो एक्वा रेगा एक सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या करता है गोल्ड को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है और इसलिए उसका क्या होता है वेट लॉस हो जाता है। पहला क्वेश्चन है ऑन द बेस ऑफ द हार्डनेस डैश इज नॉन मेटल। कौन सी नॉन मेटल है? आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम। देखो आयरन भी स्ट्रोंग होता है कॉपर भी स्ट्रोंग होता है एल्यूमिनियम तो नॉन मेटल कौन बच गई? कोयला। ऑन द बेस ऑफ द लक्ष्य डैश इज मेटल बनावट के आधार पर कौन सी मेटल है? कोयला फास्फोरस सल्फर और कॉपर तो क्या होगा? कॉपर। बीटिंग विद अ हैमर देयर इज द चेंज इन द साइज जब हम उसको बीट करेंगे तो उसका साइज क्या हो जाता है चेंज तो वो क्या आएगा? आयरन। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेलेबिलिटी इज थिन से थिन सीट में कन्वर्ट करना और वो कौन होगी? मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो कौन होंगे? कॉपर वायर। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ द आयरन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ मॉइस्चर एयर और लेयर ऑफ अ विच कलर इज डिपॉजिट। स्ट्रिप आयरन के रख देंगे तो कौन सा कलर हो जाएगा? ब्राउन कलर हो जाता है उसका तो इसमें दे रखा ग्रीन कलर एस लाइक कलर रा टाइप रेड कलर तो उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। हाँ ब्राउन होता है। नेचर ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक समटाइम ऐसे दिखाना चाहिए। डैश चेंज रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू द ब्लू कौन सा सॉल्यूशन मेटालिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन चेंज कर देता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस सॉल्यूशन को इसका है ना ये सेकंड आएगा समटाइम एसिडिक समटाइम बेसिक। डैश चेंज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू द रेड एसिडिक सॉल्यूशन द रिएक्शन एसिडिक विद वाटर एसिड की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो कैसी होगी? फास्ट। फास्फोरस इज कैप्ट किसके अंदर? एयर वाटर नहीं सोडियम और फास्फोरस को है ना सोडियम और पोटेशियम को हाँ फास्फोरस को वाटर के अंदर रखा जाता है। मेटल रिएक्ट विद अ एसिड मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देती है? हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर जिंक डिस्प्ले कर देता है जिंक कॉपर हाँ ठीक है जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ऑफ द टोटल एलिमेंट द नंबर ऑफ डैश देखो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ना उसके अंदर अब कितने एलिमेंट है टोटल शायद 118 है। द नंबर ऑफ डैश मेटल आर मोर मेटल ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? रेडियो एक्टिव और नॉन मेटल्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जनरली मेटल आर मेलेबल्स नेम द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच मेटल कैन बी बिटन इन टू द थिन सीट उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? मेलेबिलिटी। वट इज डक्टिलिटी डक्टिलिटी क्या होते हैं? प्रॉपर्टी होते हैं मेटल को बीट करके थिन से थिन वायर के अंदर कन्वर्ट करना। मोस्ट डक्टिलिटी मेटल बताया था सिल्वर और गोल्ड होते हैं। नेम द मेटल विच एग्जिट इन अ लिक्विड स्टेट मरकरी नेम द वन मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड विच मेटल इज यूज इन अ थर्मामीटर मरकरी विच मेटल एंड नॉन मेटल इज लिक्विड ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल तो मरकरी और नॉन मेटल ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिट करती है नॉन मेटल ब्रोमीन और मेटल मरकरी। राइट द टू प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नेम द टू मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। थ्री मेटल विच अकर इन अ नेटिव स्टेट सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम अकर इन अ नेटिव स्टेट। लिस्ट टू मेटल्स विच आर इजिली कट सोडियम और पोटेशियम को नाइफ से हम इजिली कट कर सकते हैं वट इज दैट प्रॉपर्टी विच एलो द मेटल टू ड्रो इन टू अ थिन वायर डक्टिलिटी विच मेटल आर मेड यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर कॉपर और एल्यूमिनियम विच मेटल इज कंसिस्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन्स सॉरी हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन्स होता है हीमोग्लोबिन्स के अंदर कौन सी मेटल होती है? आयरन। राइट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन आयरन की रिएक्शन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 बन जाएगा ये बैलेंस करने के लिए लगा रखे हैं 4 और 3। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ आ रिएक्शन जिंक विद ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड आगे देख लो
Name the five metals which are used in daily life: aluminium, iron, copper, zinc, or tin. Name the five metals which are used in our industries: aluminium, iron, or copper, nickel, or zinc. Why do sodium, zinc, magnesium, and aluminium not occur in their pure state? ये क्या है? अगर हम अर्थ से निकालते हैं ना तो ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं. तो बिकॉज दे रिएक्ट विद द एयर वाटर और एसिड. नेम द एटलीस्ट टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद द एयर वाटर एंड एसिड. गोल्ड और प्लेटिनियम, जो कभी भी रिएक्ट नहीं करते. बोलते हैं ना सोने को चाहे धरती के अंदर गाड़ दो तब भी वो ऐसा ही निकलेगा. कितने दिन बाद निकाल लेना. इट मीन्स वो ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करते ना एयर के साथ रिएक्ट करते. ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी आर मेटल आर यूज इन द ज्वेलरी. मेटेलिक लक्स्चर. व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर मेटल. से रेडिश ब्राउन कलर होता है कॉपर मेटल का. ऑफ आयरन, कॉपर एंड मैग्नीशियम विच मेटल कैन बी कट इजली. हाँ, मैग्नीशियम को हम कट कर सकते हैं किससे? नाइफ से.